विद्से रामचंद्राय विद्से रघुनाथाय नाथाय रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः सीताय पतये नमः रामाय रामभद्राय रामाय रामभद्राय रामचंद्राय विद्से रामचंद्राय विद्से रघुनाथाय नाथाय रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः सीताय पते नमः। हरे कृष्ण। तो जैसे कि बारिश का माहौल है तो पकोड़े की नहीं सोच रहे हम लोग कथा सुनेंगे, हम कथा में आनंद लेंगे। जो लोग पहुंच जाए आंधी, हरी कथा में रुचि होती है ना। जैसे एक इंसिडेंट था कि जैसे एक बारिश का टाइम था, तो हम एक बार टेंथ में थे, तो पूछे अगर बोर्ड का पेपर चल रहा है, आपका मैथ का पेपर है, साइंस का पेपर है, और आपके एक तो आंधी तूफान आ रही है, तो मैंने पूछा कि तू जाएगा, मैंने अपने फ्रेंड से पूछा जाएगा कि नहीं जाएगा। कह रहा भाई मैं घर से नाव बना के निकलूंगा, लेकिन जाऊंगा जरूर। रुचि है अपनी अपनी, लेकिन हमें क्या है, हरी कथा में रुचि लेनी है। तो रिविजन करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि रिमाइंडर होना चाहिए, क्योंकि प्रभु जी ने बोला था माता जी लास्ट डे क्या होगा, एक क्विज होगा, क्विज जीतना है, राम जी का क्विज। क्या सुन रहे हो, है ना। जैसे बोलते हैं नोट्स का एक बहुत अच्छा है, आज मैंने एक लेक्चर में सुना, मेरी भी एक आदत है कि मैं भूल जाता हूँ नोट्स बनाना, कभी बनाते कभी नहीं, बट मेनली क्या है किसी से ले लेते हैं हम, तो ठीक है नोट्स बनाना। तो लेक्चर में मैं सुन रहा था कि हम नोट्स क्यों नहीं बनाते, नोट्स बनाने क्यों पड़े, तो अमोल ने पूछी थी, वो इसको आंसर कर रहे थे, कह रहे थे अगर आप धनिया की चटनी की कोई रेसिपी हो किसी, तो वो क्या कहेंगे, पेन लेके खड़े हो जाएंगे, नींबू डलता है, अचार डलता है, ये डलता है वो, क्यों भाई, चटनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम वहाँ इंटरेस्ट है उसमें, सही बोला। और फिर यहाँ हरिकर आ रहे, आप बताइए, हम जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है ना उसको नोट करते हैं वहाँ पर, यहाँ जो कथा होती है ना इसमें भी हमें नोट करना चाहिए। कोई भी बोले मैं तो देखो इतना अच्छा नहीं बोला, प्रभु जी बोलते हैं और मंदिर से आए बोलेंगे तो ओके। तो आज का जो कथा है ना, आज थोड़ा जाते हैं, अब हम लोग नाव से राम सीता जो है उतर चुके हैं, अब यहाँ से जो कहानी स्टार्ट होती है ना, जो मैं आज का मेरे को पता चला कि सुबह ही मैंने देखा कि अयोध्या कांड फिर से मेरा है, मतलब जो प्रभु जी लगे मेरा ही लेक्चर है वो तेरी, मैंने बोला चलो पढ़ते हैं। और मैं लिटरली मैं 2 बजे मतलब जब भी पढ़ने बैठा, पढ़ते पढ़ते पता नहीं क्या हो, मतलब इतना डीपली चले गए उसमें कि चल रहा कि लग रहा कि ये सब सामने हो रहा है ना। मतलब कथाओं में होता है ना कि सुनते सुनते इतना खो जाते कि टाइम का ना इनका किस चीज़ का, लेकिन पढ़ते पढ़ते ना बहुत मतलब इसमें चीज़ें मैंने देखी, और बोला हमारे अंदर इसमें ऐसा कोई गुण नहीं है। तो श्री राम की जो कथा है ना सही में दिव्य है। फर्स्ट हम देखते हैं कि अब जैसे ये लोग राम सीता ये बोट से उतर चुके हैं, केवट जा चुका है इनको छोड़कर, अब वन में जा रहे हैं। अब बेसिकली फर्स्ट वन आता है तो ये लोग चलना स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने पहले राम जी ने बोला लक्ष्मण को कि आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, वो क्या है, सीता की सुरक्षा, क्योंकि सीता महारानी आई है, वो छोड़ के राज्य छोड़ के आई है, तो उनकी सुरक्षा क्या है मेन है। तो उन्होंने क्या किया, बोला आप पीछे चलना, मैं आगे चलूंगा और सीता बीच में चलेंगी। लेकिन यहाँ पर एक कंपटीशन कर रही माता सीता, वो राम के पैर पे पैर नहीं रख सकते, क्योंकि राम जहाँ पैर रखे वो स्थल कौन सा है, पूजनीय है भाई, राम जहाँ पैर रख दे वो जगह पूजनीय होती है, वो पैर नहीं रख सकती, तो इनके पदम ऐसे ऐसे, तो इनके ऐसे ऐसे, मतलब चल रहे। अब यहाँ लक्ष्मण जी फंस गए, दोनों ने तो जगह कर ली, अब मैं कहाँ चलूँ, अब ये क्या किए। फिर इन्होंने बोला कि मैं ऐसे चलूंगा, तो ये एक आगे ऐसे चल रहे, तो ये ओम शेप बना रहे थे। तो जैसे वो देख रहे कि तपस्वी देख रहे कि वाह जिन ओम का हम लोग जाप करते हैं ये करते हैं, वो ओम तो देखो खुद ही भगवान चल रहे हैं वनों में बहुत करते। चलते 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 भगवान पहुंचे प्रयाग, गंगा और यमुना के संगम पे प्रयाग पहुंचे, और प्रयाग में आश्रम था, किसका आश्रम था कौन बताएगा, अगर कोई किसी ने रामायण कभी सुनी हो तो। अगस्त ऋषि इतनी जल्दी कहाँ मिलेंगे, नहीं 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 आश्रम जो ऋषि का था, चलो ठीक है मैं बता, वहाँ भरद्वाज ऋषि का आश्रम था, नोट कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन आ सकते हैं, ये बता रहा हूँ जीत सकते हो आप लोग,
तो भरद्वाज ऋषि का आश्रम था, और कहा जाता है कि जो भरद्वाज ऋषि का जो तप की इतनी शक्ति थी, जो राक्षस थे, देखो वो भी बता रहे भरद्वाज ऋषि का आश्रम था, गरज के बादल बता रहा है, तो वो भरद्वाज ऋषि का जो आश्रम था वो उसके आसपास जानवर भी जो रहते थे ना, वो अपने गुण भूल गए, शेर शिकार करना भूल गया, हिरण, मतलब सबको क्या है, उनकी तपस्या हरि कथा में वहां का माहौल ही चेंज हो, सब डिवोटी है, चीटी से लेके हाथी तक सब डिवोटी, मतलब एक प्रयाग का स्कॉन पहले ही वहां खुला हुआ था, भरद्वाज ऋषि ने खोल, ऐसा माहौल। लेकिन फिर वहां गए और उन्होंने, माता सीता ने पता क्या, वो जब गए ना तो देखो वो बता रहे हैं माहौल अभी भी अच्छा ही है, आप सुनिए कथा, वो बाहर से कह रहे हैं आज जाएंगे नहीं, आज कथा लंबी चलने दो, आज टाइम क्रॉस कर, तो बट वो क्या करते हैं महाराज, वो क्या करते हैं, जाते हैं, वो नहीं, वो जाते हैं और देखते हैं कि माता सीता देखती है कि गंगा है, यमुना है, पवित्र नदियां हैं, तो हम लोग क्या प्रार्थना करते हैं, फर्स्ट प्रार्थना करते हैं कि हमारे ये वो हरिद्वार जाते हैं, स्नान करते हैं, प्रयाग में भी गए होंगे लोग, तो क्या करते हैं, स्नान करते हैं, तो क्या विशेष, माता सीता पता है क्या प्रार्थना करती थी, वो प्रार्थना करती थी हे माता मदर गंगा मदर यमुना, आप लोगों की कृपा से, आपके जो भी ब्लेसिंग्स है उसकी वजह से क्या हो, ये जो यात्रा कर रहे हैं हम लोग, इतनी लंबी 14 वर्ष की यात्रा है, ये अच्छे से हो, इसमें कोई कष्ट ना आए और हम जल्दी अयोध्या वापस लौटे, है ना। जैसे हम लोग किसी ट्रिप पे जाते हैं तो हम लोग नरसिंह देव से प्रार्थना करते हैं कि तब कर कमल, नरसिंह देव से प्रार्थना करते क्यों करते हैं, वो क्या करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे, तो वो प्रोटेक्शन के लिए हम मांगते हैं। तो माता सीता ने बोला ये जर्नी 14 वर्ष की है, हमारी तो 2 दिन की होती है, 1 दिन की होती है, लेकिन प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने क्या किया, मदर गंगा से प्रेयर किया, हम नरसिंह देव से करते हैं, तो ऐसे उन्होंने आगे बढ़े और भरद्वाज ऋषि से मिले। भरद्वाज ऋषि ना खुश हो गए, पता क्या, वो ये सोच रहे जिनका हम लोग ध्यान करते हैं, आज देखो कितने अच्छा वक्त है कि वो खुद आए हैं हमारे द्वार पे, और इतना अच्छा वेलकम किया भरद्वाज ऋषि ने, उनके सारे शिष्य आए, उन्होंने राम जी को पहले चंदन दिया, ऑफर किया, फ्रूट्स लाए उनके लिए, सब ऑफरिंग किया, और भगवान की क्या कर रहे थे, वो सेवा कर रहे थे, तो ये बहुत ही अच्छा सेवा भाव था उनका। और वो लोग भरद्वाज ऋषि ने उन्हें बोला कि आप हमारे यहाँ आए हैं, आप बैठिए, फिर उन्होंने, उनको तो सब पता ही था ऋषि थे वो, फिर भी उन राम जी ने उन्हें कारण बताया कि ऐसा ऐसा है, मैं 14 वर्ष के वनवास पे हूँ मेरी पत्नी के साथ और मेरे भाई लक्ष्मण के साथ, तो उन्होंने बोला ठीक है आप यहाँ स्टे कीजिए, और उन्होंने तो ये ऑफर दे दिया कि आप 14 वर्ष तक यहीं रुक जाइए, जितनी क्षमता होगी हम सेवा करें। एक्चुअली राम जी क्या थे, उन्होंने कैरेक्टर ऐसा बनाया था, अब सबको पता है भगवान राम का कैरेक्टर, राजा राम है अयोध्या के, किसी भी राज्य में जाए, अब वो कवंग जो था वो आदिवासी, उसने अपने राज्य का ऑफर दे दिया कि आप यहाँ रुक जाइए, ये राज्य संभाल लो, यहाँ ऋषि के आश्रम में गए, वो कह रहे ये आश्रम संभाल लो, मतलब उनका क्या है, तो राम जी एक लीडर है, वो कहीं पे भी जाएंगे वो लीड ही करेंगे, लीडर्स की तरह वो, मतलब समझ गए ना असली काम से, वो बोले राम जी आए हैं तो यहाँ रुके, सेवा करने का मौका मिले। एक्चुअली भक्त लोग कोशिश करते हैं कि सेवा मिले, जैसे कभी भी कोई छोटी मोटी सेवा मिल जाए, मैं गुरु महाराज की सेवा मिलती है, टेंपल में मिलती है, हम लोग जाते हैं, सेवा मिलती है, ये क्या है, मौका है, कभी कभार ही मिलता है, डेली थोड़ी ना मिलता है, है ना। फिर राम जी रुकते हैं और कंदमूल फल जो भी लेते हैं प्रसादम में लेते हैं और सोते हैं, और उसके बाद अगले दिन वो उठते हैं और पूछते हैं कि आप अब हमें कहाँ जाना चाहिए, तो भरद्वाज जी कहते हैं देख लीजिए प्रयाग बहुत अच्छा स्थान है, आपने से सुना ही होगा प्रयाग बहुत अच्छा है, लोग जाते हैं, मेला भी लगता है वहाँ पे, है ना, प्रयाग आप रुक जाइए। कह रहे नहीं प्रयाग है पवित्र स्थान, लेकिन मुझे ना एक एकांत स्थान चाहिए, थोड़ा अयोध्या से थोड़ा डिस्टेंस में हो, तो कह रहे ठीक है। फिर उन्होंने बोला ठीक है आप मान नहीं रहे, तो चित्रकूट का उन्होंने दे दिया, फर्स्ट जगह भगवान जहाँ आए वो था चित्रकूट, तो चित्रकूट ये प्रयाग से थोड़ा आगे है, तो यहाँ पे चित्रकूट में भगवान गए, चित्रकूट माउंटेन है, चित्रकूट पर्वत है, कोई वो ऐसा लीला मतलब स्थली तो है, होती है, जैसे पंचवटी आएगी अभी बरसा दी, तो ये सब क्या है स्थली, लेकिन चित्रकूट क्या है, जो फर्स्ट माउंटेन है जिसपे भगवान अभी स्टे करें आए, तो ये बैठे और माता सीता और ये बैठ गए। लक्ष्मण ने बोला आप लोग बैठिए, मैं यहाँ पर एक कुटिया का निर्माण करता हूँ। तो लक्ष्मण जी कुटिया मतलब ऐसा एक आपको पता ही है घर जैसा होता है झोपड़ी टाइप में, उन्होंने बोला मैं निर्माण करूंगा, तो वो लग गए काम पे। माता सीता और प्रभु श्री राम एक रॉक पे बैठे हुए हैं,
तो माता सीता और ये लोग क्या है, बहुत एक सोच रहे थे कि प्रभु श्री राम को बहुत बार बार याद आ रही थी कि अयोध्या में क्या हो रहा होगा, मतलब उनको लग रहा अयोध्या की दृष्टि। तो उन्होंने ना एक बार लक्ष्मण को बोला भी, लक्ष्मण तुम ना चले जाओ, मैं और सीता आगे का सफर कर लेंगे, तुम यहाँ से चले जाओ और जाकर माता कौशल्या माता सुमित्रा इन सबको संभालो। तो उन्होंने बोला कि आप माता कौशल्या को क्या समझते हैं, एज अ लेक्चर में सुन रहा था, माता कौशल्या बहुत मर्सीफुल है, उनके ऊपर बहुत कृपा है, वो बहुत संभाल लेंगे महाराज दशरथ को, है ना। उनके पास क्या है, उनके पास दशरथ जैसे उन्होंने शुरू से आपकी सेवा करी, उन्होंने आपको पुत्र रूप में पाया, वो संभाल लेंगे दशरथ जी का, आप चिंता मत कीजिए। मेरे मदर ने मेरे को एक ही काम दिया है आपकी सेवा करने का, और वही मेरा एक अभी काम है, सेवा करनी है ना। तो फिर माता के कौशल्या की आप चिंता छोड़िए, मैं यहीं रहूँगा, मैं कहीं नहीं जाने वाला। भगवान ने कंसल्ट किया, लक्ष्मण जी नहीं मान रहे तो नहीं मान रहे, भगवान ने बोला ये भी जिद पे अड़े हुए हैं तो अड़ने दो, अब चलो भाई आगे। अब फिर ये कुटिया बना रहे। तो माता सीता को ना एक इंसिडेंट याद आया कि जब एक बार प्रभु श्री राम के पैर दबा रहे थे, तो पैर दबाते दबाते जब इन्होंने भगवान के चरण कमल दबाया तो उस पर एक अंगूठी लग गई थी, जो अंगूठी, तो ये तब चिल्ला उठे, तो ये चिल्ला उठे और एक इन्होंने कहा तो राम उठ गए, बताओ क्या हुआ क्या हुआ, पैर दबा रहे थे अचानक से क्या हो गया, मेरी अंगूठी लग गई, मैंने सुना था आप किसी एक और स्त्री हो जाएगी, सेवा बढ़ जाएगी फिर हमारी, फिर ये सब। फिर राम जी सोच रहे, राम जी हंसने लग गए, राम जी सोच रहे मेरे पैर को लोगों ने क्या समझ रखा है, मतलब कहें मतलब वो तो चलो अहिल्या का कुछ था कि वो बनी उसके साथ, अब केवट भी यही सोच रहा है कि नाव पे पैर रखोगे नाव स्त्री बन जाएगी, यहाँ आप सोच रहे हो कि मैं अंगूठी पे पैर लग गया, अंगूठी लग गई पैर पे तो वो स्त्री, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये इंसिडेंट सोच रहे थे, इतने में लक्ष्मण जी ने बोला कुटिया तैयार। फिर वो बोल रहे हाय, उनको लगा, उन्होंने बोला कि हमें लगता है ना हमें बहुत लंबा टाइम हो गया बातें करते 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 करते, बहुत लंबा टाइम हो गया। तभी देखो लक्ष्मण ने कुटिया भी तैयार कर दी। लक्ष्मण ने उन्होंने पूछा लक्ष्मण कितना टाइम लगा अब तक, कितना टाइम लगा होगा लमसम, उन्होंने देखा नहीं बस 5 मिनट हुए हैं अभी। अरे बाप रे बाप, इतनी फास्ट सर्विस, मतलब इतनी अच्छी कुटिया बनाई थी उन्होंने फर्स्ट। तो उन्होंने बोला परमानेंटली नहीं थी कुछ भी, अभी वनवास में तो कोई परमानेंट नहीं होता कि आप रह लिए नहीं। तो ये इन्होंने कुटिया बनाया, यहाँ सेट हो गए। अब हम लोगों ने कुछ कथा को आगे लेके गए थे, केवट से लेके राम जी को चित्रकूट तक अभी हम रख के आए हैं। अब हम लोग थोड़ा पीछे जाएंगे, अयोध्या में जाएंगे हम लोग। अयोध्या में वापस जाना पड़ेगा क्योंकि हमने कल सुमंत जी को वापस भेज दिया कि जाओ, राम जी ने भेज दिया वापस कि जाओ आप, राम जी नहीं आने वाले। तो अब सुमंत जी पहुंच गए, तो इसमें कहा जाता है कि सब लोग टायर्ड हो गए कि पता चला कि शमशान। तो पता है कैसा लग रहा था अयोध्या की हालत, एक शमशान भूमि बताया जाता है, एक शरीर था अयोध्या, एक बॉडी थी, और जब उसमें से परमात्मा रूपी जब राम चले गए ना तो वो बॉडी क्या है, मृत पड़ी हुई है अयोध्या, क्योंकि जब वहाँ राम थे तो वो इतनी मतलब खुशहाली वो देख रहे थे अयोध्या, ये शमशान, शेर का मन नहीं कर रहा, शेर बैठा हुआ है, हाथी मेंढक मोर कोई कोई नहीं चला, बच्चे भी नहीं खेल रहे, बच्चे भी बैठे हुए यहाँ, क्या हो गया सब सुन। बट क्या है, ये एक बात है, जैसे हम देख सकते हैं हमारे शरीर से आत्मा निकल जाए, जो भी आत्मा है परमात्मा को भगवान है चले जाएंगे, तो यही हालत होगी। इसलिए भगवान है तो उनका इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा, भगवान का बहुत इम्पोर्टेंस है, वो कहीं पे भी रहें। अयोध्या एक मृत शरीर की तरह थी, और फिर उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं अब सुमंत जी है ना पहुँचते हैं अयोध्या में। अब यहाँ पर दशरथ जी और कौशल्या अब सोचते हैं कि चलो अब हो ही गया इतना का सब कुछ, भरत को बुलाते हैं, भरत को बुलाने की सोच रहे थे, लेकिन सुमंत आ गया तो दशरथ ने बोला नहीं पहले सुमंत से बात करेंगे, वो राम को क्यों नहीं लेके आया अपने साथ, प्लान क्या था राम को लेके आने का, थोड़ा इधर 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 थोड़ा आ गया आप लोग दिख जाओ,
तो उसके बाद क्या हुआ, सुमंत ने बोला कि मैं राम जी के पास गया। दशरथ जी बोले कहाँ है राम, कहाँ है? वो एकदम टेंशन में, कैसे पूछ रहे मेरा राम कैसा है, क्या कर रहा है, सीता कैसे है, क्या खा रहे हैं, वो कहाँ रह रहे हैं। चिंता, चिंता होती है ना, भगवान की बहुत चिंता थी उन्हें। पहले तो वो एक अंधापन आ चुका था उनमें, राम जा चुके थे ना, आधी रोशनी जा चुकी थी। अब सुमंत बोल रहा कि मैं बताऊं कैसे, बताना स्टार्ट बताया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पर। तो इन्होंने बोला कि आप थोड़ा रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स कीजिए, क्योंकि आपको अगर मैंने एकदम से बताया ना तो क्या हो जाए पता नहीं। उन्होंने बताना शुरू किया कि जो राम है वो एक साधारण वस्त्र भूषा जो है सन्यासी की वो धारण किए सीता के साथ जा रहे हैं ना, कुछ नहीं है, सिंपल एक धनुष लेके चल दिए लक्ष्मण के साथ, और वो कोई बिस्तरे पे नहीं सो रहे, मखमल के गद्दे पे, कोई स्लीप वेल्स वगैरह यूज़ नहीं कर रहे, वो वहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, वो पत्तियों की क्या है, पत्तियों के बिस्तरे पे सो रहे हैं, कंदमूल फल खा रहे हैं, जो इतना राजभोग होता था वो सब छोड़ के वो क्या है सब खा रहे हैं। दशरथ को ना लिटरली रोना आ गया, वो उस टाइम रो रहे, अचेत भावना में थे ना, कॉन्शियस उनकी खो गई। धीरे 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 फिर वो लेट गए, फिर कौशल्या आए, कौशल्या भी इस बात पे दुखी थी पुत्र के साथ ऐसा हो रहा है। फिर ना उन्होंने बोला, फिर ना दशरथ ने बोला सुनो कौशल्या, तो ये स्टोरी बहुत फेमस है, जैसे राम रामलीला कहीं पे भी स्टार्ट हो तो दिखाई जाती है। दशरथ बता, दशरथ को याद आता है कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है, तो श्रवण जी की जो स्टोरी आती है इसमें एंट्री होती है इनकी, कि वो बताता है कि मैं पूर्व काल में जब मैं युवा था तो मेरे अपराध वर्ष एक श्रवण नाम के बालक का जो वहाँ पे पानी पी रहा था, तो मैंने क्या किया वहाँ पर उसको तीर मार कर, मैंने तीर छोड़ दिया उसको लग गया, वो मर गया। फिर उसके माता पिता के पास में लेके गया तो उनके माता पिता ने मुझे श्राप दे दिया कि जब मैं मरूंगा तो मेरे पुत्र का मेरे को वियोग होगा। तो सोच रहा, तो उसमें कहते हैं कि आपके कर्म जो आपने किया है वो होता है पिछले जन्म का, लेकिन ये तो इनका इसी जन्म में था, इन्होंने इसी जन्म में तो युवा में वध कर दिया, तो इसमें श्रवण कुमार का ये था। इनको बहुत वो सोच रहे कि मेरे साथ ऐसा हो गया, अब मैं मेरे पुत्र मुझे छोड़ के जा चुका है, अब अयोध्या का मैंने बहुत साल राज्य किया, पता है कितने साल उन्होंने शासन किया, 60,000 साल, रामायण में बताते हैं 16 ईयर्स उन्होंने शासन किया। और उन्होंने बताया, उन्होंने फिर उनको बताने लग गए सब स्टोरी, होल स्टोरी पूरी बताई, फिर उन्होंने बताया तो उसके बाद उन्होंने बोला अब राज्य खत्म है, अब कुछ नहीं है। फिर देखते देखते वो लोग रात हो गई, उन्होंने बोला ठीक है अब विश्राम कीजिए, जो होगा देखते हैं कल सुबह क्या प्लानिंग रखते हैं। फिर रात को क्या था, रात को उन्होंने कॉन्शियस छोड़ी और फिर उन्होंने राम जी बन गए। तो दशरथ महाराज जो कैरेक्टर था उन्होंने यहाँ पर अपनी लीला क्या है भगवान के साथ समाप्त कर दी थी, उन्होंने अपना शरीर जो भौतिक शरीर था उनका उन्होंने वो त्याग दिया तब। और ऑब्वियसली वो भगवान श्री राम के पिता है तो वो कहाँ जाएंगे, भगवान के धाम ही जाएंगे, उनके तो फिक्स ही है, वो कुछ कर्म ऐसा नहीं था, सीधा धाम जाएंगे, डायरेक्टली क्या जाएंगे, साकेत धाम जाएंगे भगवान के, है ना, गए अब चलेगा धाम। अब सुबह पता चलता है कि महाराज दशरथ ने शरीर छोड़ दिया। अब यहाँ कौशल्या माता का बुरा हाल, एक तो वैसे ही पहले पुत्र गया हुआ है और अब तो पति देव भी नहीं है, और रे बाप अब तो कौशल्या जी का कॉन्शियस उन्होंने भी खो दी। कि अब तक कौशल्या माता बहुत शांत थी, उन्होंने देखा कि मेरे पुत्र को वनवास भेज दिया वो ठीक था, अब जो हुआ है ना अब बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि अब इनकी वजह से कैकेयी की वजह से क्या हुआ, दशरथ जी ने शरीर छोड़ दिया। और लास्ट टाइम मैंने कौशल्या जी सुमित्रा जी थे कैकेयी आए नहीं थे, तो कैकेयी को पता ही नहीं चला सुमित्रा जी और कौशल्या ही थे, कैकेयी को लगा कि भरत खुश होगा उसके इस निर्णय से। और वो यहाँ पर ट्विस्ट आता है तो बहुत सुनाते हैं तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है। तो फिर अब वशिष्ठ मुनि ने बोला कि देखो राज्य है अयोध्या, राज्य रघुकुल का राज्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए इधर, तो राजा जल्दी नियुक्त करना पड़ेगा किसी को। तो उन्होंने बोला भरत को भेजो, बुलाने के लिए भेजा। तो जो भरत को बोला ना, भरत के साथ जो भेजे जाते हैं कि आप जाओ बुला के लाओ, तो उनको बोला कि आप उन्हें कुछ मत बताना, कि जाते ही बोल दो पिताजी नहीं रहे चले गए, ऐसे ऐसा कुछ नहीं है, तुरंत नहीं बताना, जाति कहीं संस्कृष्टम ऐसे कहीं जाए भागते हो भरत भरत कहाँ, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं,
अभी थोड़ा कंट्रोल करना, क्योंकि भरत क्या है, आते आते अयोध्या में टाइम लगेगा, रास्ता लंबा है, ऐसे नहीं। तो उनको सब समझाते हुए भेज दिया। अब वो रथ से गए और उन्होंने भरत से मिले, उन्होंने बताने, भरत को लग रहा था कुछ गड़बड़ है भाई, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उनके मुंह ही उतरे हुए थे। अयोध्या से आया व्यक्ति एकदम चमक दमकता है भाई, लगता है अब कोई फॉरेन से आया इंडिया, तो लगता है ना फॉरनर है। अब वो मतलब फॉरनर ही नहीं, अब इंडिया से हमारे कोई यहाँ हिमाचल इधर से आए, जम्मू साइड से, तो वो बंदा उसका गोरा चिट्टा एकदम मतलब पूरा लगता है हट्टा कट्टा देसी चीज। अब वो ये लग नहीं रहा था ना, अयोध्या से आए थे, अयोध्या वासी ऐसे थोड़ी। फिर वो गए, अब रास्ते में रथ चल रहा, इनकी कॉन्शियस वहाँ है अयोध्या में क्या हो रहा हो। अब जैसे ही अयोध्या में थोड़ा एंटर करे ना, ये बोले ये कहाँ आ गए, ये अयोध्या थोड़ी ना है, ये तो संसार में आ गए हम, ऐसा नहीं ना अयोध्या, ऐसा नहीं है, क्या वर्णन है उनका। कह रहे अयोध्या सब घर में शांति, ये वो गए भागते हुए माँ के दर, उसमें गए रूम में, मदर कहाँ हो आप, उनसे पूछा माता के कही दें, वो खुश हो गए, उन्होंने पुत्र को गले लगाया, ये किया। उसके बाद बोला कि पिताश्री कहाँ है, ये अयोध्या में, ये ऐसा क्या हो रहा है। फिर उन्होंने बताया आपके पिता नहीं रहे, तो वो बहुत शोकित हो गए, विलापित हुए। फिर उन्होंने बोला कि उन्होंने लगता है पुत्र वियोग हुआ होगा ये। फिर उन्होंने बताया कि राम, फिर उन्होंने पूछा राम कहाँ है, सॉरी उन्होंने बोला राम कहाँ पे हैं, तो उन्होंने बोला राम चले गए वन। उन्होंने वन क्यों गए, वन किस लिए गए, वन का तो रीजन नहीं उठता, पिताजी ने शरीर छोड़ा, राम जी सबसे प्रिय है उनके, है ना। कह रहे कि उनको लगा, फिर भरत जी ने बोला लगता है गलती से वर्ष राम जी से किसी ब्राह्मण का वध हो गया, उसका पश्चाताप के लिए गए होंगे। फिर बताया नहीं मैंने ना सोचा कि तुम्हारे पिताजी राम का राज्याभिषेक करके उसे राजा बना देंगे, मैंने ना दो बार मांग लिए, एक तुम राजा बन जाओ और दूसरा राम को चौदह। और बाप रे, अब जो गोद में लेके बैठे थे ना, ऐसा धक्का दे दिया, बोला कि तुम मेरे मदर नहीं हो सकते। उन्होंने सोचा कि प्रॉपर्टी सारी भरत के नाम हो जाए दशरथ जी की, है ना, बट यहाँ तो कहानी उल्टी पड़ गई उनकी। बोले तुमने सोच भी कैसे लिया, मेरी पोजीशन कहाँ है राम जी के, राम जी के बराबर तुमने सोचा। कह रहे पिताजी ने शरीर छोड़ दिया, कह रहे तुम तो राम जी के वन जाने के कारण तो हो, साथ में तुम मेरे पिता की हत्यारे भी हो। कह रहे तुमने वर थोड़ी ना मांगे, तुमने दो खंजर निकाले, एक तो मेरे राज्य अभिषेक का और एक राम के वनवास का, वो दोनों मेरे पिताजी के छाती पे मारकर उनका वध कर दिया तुमने, तुम्हें एक हथियार ने तुम राक्षस से सुना दिया। और भाई माता उनको बड़ा दुख हो गया, फिर उन्होंने भरत बैठ गए वहीं पे, शोक में चले गए कि ऐसा मेरी वजह से हुआ, मेरी मदर के। फिर शत्रुघ्न सोच रहे कि ये कैसे हो सकता है, इनका मन तो ऐसा नहीं था केकई का, क्योंकि राम क्या कहते हैं ना कि केकई ज्यादा प्रेम करती थी राम से, बहुत ज्यादा, सगी मदर से ज्यादा, राम भी उन्हें बहुत प्रेम करते थे। तो फिर पता चला ना एक सैनिक देख रहा है, एक सिपाही होता ना, ओ भाई अब मंत्रा, वो एकदम कपड़े वपड़े पहन के एकदम नाच रहे है, कुबड़ी तो है ऐसे झुके रहते ना कुबड़े, है वो नाच रही है, वो बल्ले बल्ले अब तो अच्छे दिन आएंगे, अब भरत आ गया प्रॉपर्टी उसकी। वो सोचते हैं ना कुछ सीरियल्स में दिखाते हैं आप लोगों की, इसका दहेज अब ये मैं बल, वो खुश हो गए। अब यहाँ सैनिक दिख रहा सब दुखी है, ये क्यों खुश है, यो उसने पकड़ा ऐसे, बोला तेरे तो इधर आ तू इधर आ, वो घसीटते हुए लेके शत्रुघ्न के पास, बोले ये है सब चीज की कारण, पकड़ो इसे। ओ उन्होंने बाल खींचा, पीटना शुरू किया, यहाँ से फिर प्रोसेस को जारी शत्रुघ्न जी ने रखा, वो पीटते पीटते शत्रुघ्न जी के रूम पे लाए, ये यहाँ से पीटते पीटते भरत जी के रूम लेके गए, और फिर वहां अलग और कुटाई करी उनकी। बोले अब बताओ इसका क्या करना है, क्योंकि यही है वो डायन, इसने विष भर दिया, सब इसका करा दो, कह रहे इसको पीटो, वो चिल्ला रही छोड़ दो ये वो, मेरे को कह रहे जान से मार दो ऐसे, कह रहे आज तो जान से मरेगी तो बुढ़िया, खत्म खेल खत्म, कुछ नहीं। कह रहे आज मेरे हाथ में मेरा धनुष नहीं है, वरना मैं तेरा धनुष से ही वध कर देता, बहुत बोला उसको भी। लेकिन भाई है ना भरत है वो राम जी जैसे ही है मर्याद, उन्होंने बोला छोड़ दो, ऐसे ही होता है भक्तों का हृदय क्या हो कोमल हो, जैसे कहते हैं ना तितिक्षा कारुणिका सूर्य सर्वदेहिना मजात शत्रुवा शांता साधवा साधुभूषण, इसका मतलब क्या होता है कि भक्तों जो ब्राह्मण होता है भक्त होते हैं इनके जो हृदय होता है ना बहुत कोमल होता है, ये किसी का कोई शत्रु तो होता नहीं है, चलो गलती कर दी क्षमा कर दी, बहुत जल्दी क्षमा कर दे, क्षमा कर दिया उन्होंने, बोला
ठीक है क्षमा कर दो, लेकिन माता के कई ने जो किया है उसकी क्षमा आपको नहीं मिलेगा, उसकी तो आपको दंड भुगतना पड़ेगा। माता के कई ने किया ही ऐसे, वो चले गए, बोला मैं माता कौशल्या। एक्चुअली जो हुआ ना अपराध, अब इन पे बहुत सारे शक होता है, अब भरत जी पे शक करने लग गया अयोध्यावासी, जरूर भरत ने ही ननिहार से बोला होगा ये प्लान करो, है ना, सब शक कर रहे हैं, वो कवंग वो शक कर रहा है, यहाँ पे माता कौशल्या शक करने लग गई, अयोध्यावासी शक करने, इतना शक, और भरत जी के मन में ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए जो डिवोटी होता है उसके मन भगवान के लिए बस प्रेम होता है, और किसी के लिए कोई द्वेष नहीं होता, भले अगल बगल वाले रखे उसका कोई मतलब नहीं है, वो अपना सेवा करेगा भगवान की, है ना। तो फिर अब इनको पता चलता है कि ऐसा ऐसा है, तो माता कौशल्या के पास जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला कि आपने ये सोचा कि आपने अपने पुत्र का अच्छा सोचा, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि एक पुत्र किसी का वो हो रहा है। अब ये गए माता कौशल्या के पास, तो बोले कि माता कौशल्या मेरी मदर से गलती हो गई है। वो भी कह रहे कि नहीं अब तो तुम्हें मजा आ गया होगा, अब तो पिताजी की सारी जो भी संपत्ति अब आपकी है, अब जो करना वो करो। कह रहे मेरी कोई नहीं है, उन्होंने कहा। फिर उसमें ना एक बहुत मतलब एक पॉइंट था, मैंने देखा था, मैंने पढ़ रहा था जब, एक मिनट, ये रहा। तो इसमें एक पॉइंट है कि जब वो बोलते हैं कि माता, तो वो बोलते हैं माता आपने मुझे बोला कि मेरी वजह से ये हुआ, मैं ऐसा है कि आप मान सकते हो जिसने भी अपराध किया ना, तो कहते कि उसको वो पूरे सारे पाप लग जाए, चार नियमों से आसक्त हो जाए। तो वो क्या है भगवान, इसमें ये शिक्षा तो उन्होंने बोली, इसमें एक शिक्षा निकल के आती है। उन्होंने कह कही के लिए बोला, कह रहा कि जो ये है ऐसा करते हैं, ऐसा किसी ने भी किया होगा, उसको ऐसा श्राप लगे कि वो मांस भक्षण स्त्री अवैध संग जुआ दारू ये सब शुरू कर दे। ऐसा मतलब बोला ऐसा कि ऐसा हो जाए अगर आपको लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ तो वो माता केकई को तो नहीं लगा, लेकिन इसमें टीचिंग बहुत अच्छी है कि वो भगवान राम है, एज हम भगवान राधा पार्वती हो गए, किसी को भी अगर हम लोग भूल जाते हैं ना तो माया इंतजार रखती है कि माया बोलती तूने छोड़ दिया, पकड़ो, पकड़ के ये चारों नियम का एक डंडा निकालती और बजाते हैं सीधा, और वो चारों नियम यही है, और इसी के अंदर में लपेट के जीव फंस जाता है, उसको क्या दिखता है भौतिक सुख दिखता है, तब चारों नियम में आसक्त हो जाता है। फिर भी उन्होंने क्षमा मांगी तो उन्होंने बोला ठीक है भरत जी का कैरेक्टर ऐसा नहीं होगा, मैं नहीं मानती भरत जी का कैरेक्टर ऐसा नहीं होगा। तो फिर उन्होंने क्या किया, आगे बढ़े, उन्होंने फिर अपने पिता के जो बॉडी थी उनके पास ले गए। एक्चुअली क्या था, उनकी बॉडी को एक तेल कुंडल में रखा हुआ था ताकि भरत जी आए और शरीर देख लें। तो उन्होंने देखा, पिताजी को प्रणाम किया, बोला कि अब यही होना था, उन्होंने अपनी लीला खत्म करी, उनका जितना पार्ट था राम जी की भगवान की सेवा में उन्होंने पूरा करके चले गए। तो अब उन्होंने बोला देह संस्कार करना तो आप ही को पड़ेगा क्योंकि राम जी नहीं है, करो। तो अब वो विधि के लिए उन्होंने उठाया श्री। तो एक जैसे इंसिडेंट है कि हम लोग अभी फरवरी में अयोध्या गए थे, मैं प्रभु जी और यूथ आश्रय कुछ लीडर्स ना अयोध्या गए थे हम लोग, एक रामलला का मंदिर खुला है, उनके दर्शन करने गए सब लोग ऑब्वियसली, तो वहाँ पे और भी लीला स्थली है। तो वृंदावन के बाद पहले मैं श्री राम जी की लीला स्थली पे, तो वहाँ पर एक स्थान है, उस स्थान को बोलते हैं दशरथ देह संस्कार एरिया, जो पर्टिकुलर बना हुआ है वो मंदिर, वो स्थान पर ही क्या हुआ था, एक मंडपम टाइप में भी बना हुआ है, वहीं पर उसी पर महाराज दशरथ का क्या हुआ था, देह संस्कार हुआ था। तो ये स्थान था वहाँ, मैं स्टोरी पढ़ रहा था ना तो मुझे वो स्थान याद आ रहा था बार बार, मैंने बोला कि हाँ ये जगह वो है जो हम गए थे कुछ दिनों पहले, तो वो गए और फिर ये हम गए ना, मैंने वहाँ रिलेट किया। वहाँ पर बता रहे थे जो वहाँ के पुजारी थे कि वो स्थान बहुत पवित्र था, महाराज दशरथ ने अपने सारे जो ये शरीर था वहाँ त्यागा, तो वहाँ ऐसे वो बता रहे थे कि शनि का जो प्रकोप होता है वो वहाँ पर नहीं चला जहाँ दशरथ जी का देह संस्कार हुआ था। तो हमने भी प्रणाम किया, देखा कि दशरथ जी की कैसा वहाँ पे बनाया हुआ था कि उस पर उनकी बॉडी रखी गई थी, जलाया गया था,
और जब मैंने ये लीला पढ़ रहा था ना, तो मुझे वो लीला स्थली याद आई, और फिर मैं सोच रहा था कि हाँ ऐसा सा हुआ होगा अगर, और फिर लिटरली वो स्थान पे गए तो वहाँ पर महाराज दशरथ का क्या हुआ था, दया संस्कार हुआ था, तो हम रिलेट कर पाते हैं। जब हम इससे एक चीज़ है कि अगर हम लीलाओं को सुनते हैं ना, जैसे भगवान कृष्ण की लीला हुई, चैतन्य महाप्रभु की लीला हुई, भगवान श्री राम की, आप सुनोगे तो लीला स्थली पर जाओगे तो पता चलेगा ये यमुना जी है, फिर आपको लगेगा हाँ यहाँ से कालिया नाग आए होंगे ना, है ना, यहाँ से ये तो भाई लीला स्थली जाओगे, लीला भगवान की लीला कहा जाता है ना। जब प्रभु जी का मतलब क्या कहा था इस कथा को स्टार्ट करने के टाइम, कि जब हम इसके बाद राम जी से मिलेंगे ना रामनवमी पे, लगा का हाँ दिस इज अ कैरेक्टर ऑफ लॉर्ड राम। लॉर्ड राम क्या है, एक मर्सीफुल कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर से तो बहुत लीला स्थली। ये नहीं कि वृंदावन चले गए मेरे बाके बिहारी लाल है, नहीं ऐसा नहीं होता, आप जाओ लस्सी पी के आ जाओ, घूम के आ जाओ, मतलब क्या है आपका ध्यान जाने का, भगवान की लीलाओं का स्मरण करना है, जहाँ लीलाएं हुई है ये सारी। अब देखो मेरे को कब मैं फरवरी में गया था, मेरे को तो तब था कि हाँ कितनी अच्छी लीला स्थली है, देखा प्रणाम किया दशरथ मार्ग, और आज जब पढ़ रहे तो सीधा मानसिक रूप से पहुंच गए वहां पर, है ना। तो इसलिए भगवान की लीला हमेशा पढ़नी चाहिए। बुक्स प्रभुपाद जी ने ऐसी दी है, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ते पढ़ते ही ना, आप कोई कृष्णा बुक पढ़िए, प्रभुपाद जी कहते रात के टाइम कृष्णा बुक पढ़ो, क्या पता सुबह वृंदावन में हो, और अगर थोड़ी अच्छी कॉन्शियस भी पढ़ते पढ़ते सीधा सुबह सुबह आप खुले गोलोक में नहीं मतलब ऐसा है, मतलब आज सुबह आपके सपने में वृंदावन चल रहे और सुबह आँख खुली गोलोक में, अरे राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, अरे वाह कितना अच्छा हो गया। फिर देखते हैं बॉडी का, अरे शरीर ही नहीं है, सब नीचे, यहाँ तो मैं उधार हो गया रात ही रात में, मतलब नहीं हुआ क्या है आपका, आप रात रात को सुनते सुनते भगवान के धाम चले गए, अच्छा ही तो है ना। वो सुबह नीचे देख रहे, अच्छा फिर उसने फ्लैश बैक देखा, अच्छा रात को कृष्णा बुक पढ़ के सोया, थोड़ा अच्छे चेतना हुई, खत्म, चलो ठीक है जैसा भी हुआ पहुंच गए, पहुंचना तो है गोलोक, जाना ही है ना। प्रभु जी ने क्या कहा था, साकेत, प्रभु जी बता रहे थे ना, लोग सोचते साकेत जाएंगे वापस आएंगे, अरे कहीं जाना तो है पहले, कहीं चले तो जाएं, वापस नहीं आना भैया, क्योंकि ये दुखालय तो है, पुस्तकालय में पुस्तक, भोजनालय में भोजन, और ये दुखालय में क्या मिलेगा, दुख, है ना। इससे जब निकल जाओ यहाँ से, सीधा है भगवान का फंडा, भगवान और प्रभुपाद जी की बुक्स हमें क्या है निकालना चाहती है इसे। तो मैं रामायण पढ़ते हैं, रामायण में सब कुछ है, रामायण में सारे कैरेक्टर अभी पढ़ेंगे ना धीरे धीरे, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ दशरथ जी का देह संस्कार हो गए, बहुत पुण्य थे, तेरहवीं कदी उनकी जो भी था सब प्रोसेस किया, उनकी अस्थियों को सरयू नदी में उन्होंने विसर्जित कर दिया, और सरयू नदी भी बहुत पवित्र है, अयोध्या जाएंगे तो आप देखेंगे सरयू का बहुत विशाल का नदी है सरयू, ऐसा नहीं है, बहुत उन पे प्रवाह किया। फिर वो उन्होंने बोला प्लान, टाइम हो गया, अब वक्त आ गया है प्रभु श्री राम को वापस लेके आने का, जो कार्य मेरी माता ने गलती करी थी उसको मैं सुधारूंगा। उन्होंने अब संन्यास वेश धारण कर लिया, भरत जी ने बोला कि प्रभु श्री राम बोलेंगे ना कि पिता की आज्ञा है, तो मैं 14 वर्ष वहां रुक जाऊंगा, और प्रभु श्री राम को बोलूंगा कि आप आ जाओ, मैं रुक जाऊंगा, समझे। उन्होंने बोला कि मैं रुकूंगा, आप आ जाओ, आज्ञा का पालन तो होगा, रघुकुल की रीत रहेगी, आप आ जाओ। वो चले, अब भरत जी के साथ केकई माता सब तैयार हो गए, फिर वशिष्ठ मुनि बोला ठीक है हम भी तैयार है, यहाँ सेना, फिर सब तैयार हो गए। उन्होंने बोला चल लो, अब फिर सेना तैयार करी थोड़ी सी, यहाँ लोग तैयार हो गए, गोली लेके बस करी जो भी था, गाड़ी वाड़ी सब करा, चल दिए अयोध्या की तरफ, सेना चल रही, विशाल का सेना अयोध्या की, मतलब नॉर्मल प्रोटेक्शन, विशाल सा इस चक्रवर्ती सेना तो है, प्रोटेक्शन सेना जो अयोध्या की चल रही, धूल मट्टी उड़ रही पूरी। तो कबंग का फर्स्ट जैसे राम जी मिले थे आदिवासी, वो देख रहे, अरे लगता है भरत को ने बोला कि वनवास काफी नहीं है, राम जी को खत्म कर देते हैं, वो ये सोच के आ रहा है, सेना लेके आ रहा है। ओ भाई उसने तुरंत मीटिंग बुलाई, तूने जल्दी आओ भाई, ग्रुप पे मैसेज छोड़ दिया कि जल्दी आओ आज मीटिंग है हमारे, है ना, तुरंत मैसेज छोड़ा, सब आ गए, सारे सैनिक आ गए, बोले इधर आओ, आ मैं क्या करनी है, एक्चुअली सेवा भाव ही ऐसा है, राम जी का कॉन्शियस रिलेशनशिप होता है, जब भगवान से हम रिलेशनशिप अच्छा होता है ना हमारे भगवान के साथ, तो सेवा करना भी हमें आनंद आता है,
रिलेशन नहीं है, घिस रहा है, बोल दिया प्रभु जी, हाँ ठीक है, क्या करना है प्रभु जी, ड्रामा करना है, ठीक है, हाँ प्रभु जी कर लेंगे, ठीक है ठीक है, और वो कर लेंगे, कुछ कुकिंग करनी है, हाँ ठीक है कुकिंग भी कर लेंगे, हाँ ठीक है, क्या है? अब यहाँ पर इनका रिलेशन इतना स्ट्रांग, बोले तुरंत ग्रुप में मैसेज गया, अरे सब आ गए, बताइए क्या है, बोले अभी लड़ाई होने वाली है, जल्दी करो, सब तैयार हो क्या, सारे हथियार निकाल लो, आज राम जी के लिए प्राण दे देंगे, भले ही सेना बड़ी है हम लोग कर लेंगे, वो बोलते हैं ना ये भक्त लोगों के पास कुछ नहीं होता, फिर भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन हम जीत के आए, सेम केस है, गए वो यहाँ पे ये तैयार तीर वीर लेके सब कि बस लॉन्च कर देंगे, युद्ध स्टार्ट कर देंगे आते ही, लेकिन उसने बोला, भरत ने बोला रुक जाओ, सेना वहाँ रोक दी उन्होंने, यहाँ पे ये रोक दिया, उन्होंने बोला कि ठीक है, ये रुक क्यों गया भरत, तो उसने बोला सरदार, उसके जो उसने बड़े ऐसे आए थे, कहते सरदार आप जाओ आप पता करके आओ, तो वो कहते ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम तैयार रहना, अगर गलती से भी कोई गड़बड़ हुई उन्होंने मेरे को पकड़ लिया, हमला कर देना, मेरी चिंता मत करना तुम, मैं भी बच के आने की कोशिश करूँगा, ये लड़ाई के फॉर्म से जा रहे, ये तलवार लेके जा रहे, वहाँ भरत जी ने इनको प्रणाम कर दिया, भरत जी ने बोला कि आप कब गए, आपने प्रभु श्री राम को देखा ये, तो उन्होंने ना उनको लिटरली गिल्ट होने लग गया, क्योंकि गलत सोच रहे थे ना, हम किसी भक्त के बारे में सोचे हाँ ये तो ऐसा ही होगा, अरे बाहर से आया अब भी, जैसे कोई नया भक्त है ना सोचे ये आया, अरे ये प्रिंस वो है, अरे नहीं ये बाहर तो, अरे हमने देखा था चमन गाते हुए, ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं ऐसा, वो भक्त इसलिए बोलते हैं कृष्ण कॉन्शियस में, प्रभु जी हमें लेक्चर में बताते हैं ना कि हमें लेक्चर में क्या बताते हैं प्रभु जी कि कब कोई भक्त हमसे आगे अच्छा निकले, हम क्या हम गलत धारणा नहीं लेके चल सकते ना, तो इसमें हमें एक और अच्छी शिक्षा मिलती है, तो अब ये जाते हैं, इनको बोला ना इनका भाव लड़ने का मेरा है, तो फिर क्या लिख देते हैं ग्रुप में मैसेज, छोड़ देते हैं मीटिंग कैंसिल करो, लड़ाई नहीं होने वाली, अब कैंसिल फेस्टिवल ही कैंसिल कर देते हैं, उनकी लड़ाई का था, सब वापस चले गए, उन्होंने बोला आप बताइए क्या बात है, उन्होंने डिटेल से बताई, उन्होंने कहा कि आपके भाई ने ऐसा ऐसा किया, उन्होंने जटाएं अपने, आपको कल एक पॉइंट बताना भूल गया, आज मैं दोबारा पढ़ रहा था, शुरू से पढ़ा जाओ, तो ना एक पॉइंट था, भगवान श्री राम के ना बहुत सुंदर बाल थे, उन्होंने वो बालों में ना एक जेल टाइप में लगाया, यस, तो वो उसको बांध लिया उन्होंने, एक ऐसा जेल था जिससे जटाएं बन जाती हैं, कठोर एकदम होते ना वनवासी बाल, वो उन्होंने कर लिया, उन्होंने बोला मेरे मैं वनवास में हूँ, मैं कहीं उसमें पूरा कर लिया, उन्होंने जूड़ा टाइप में बना लिया माता सीता, फिर उन्होंने क्या किया, माता भरत ने भी बोला वो लाके दो मुझे, उन्होंने भी बना लिया, और वो बोले चलो मेरे साथ चलो, अब ये चले गए, अब ये पहुँचे प्रयाग, पहुँच गए सब लोग प्रयाग में, भरद्वाज ऋषि ने पूछा कि क्या बात है, अब इन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है, भरद्वाज ऋषि को पता था कि भरत क्या है, उनका रिलेशन है भगवान से, अच्छा रिलेशन है, भरत ने बोल, फिर उन्होंने बोला ठीक है आप यहाँ आज स्टे कीजिए, और फिर भरद्वाज ऋषि ना रात को कॉन्शियस पता कर रहे हैं भरत जी की, उन्होंने देखा कि भरत जी पता क्या सोच रहे मन मन के अंदर, कि राम जी का सिंहासन है, सिंहासन पे राम सीताराम लक्ष्मण सीताराम बैठे हैं, उनके चरण एक उस पर रखे हुए हैं, और उन चरणों के बगल में मैं बैठा हुआ हूँ, ये सेवा उनके भाव था, बहुत सुंदर भाव था, यही देख रहे भरद्वाज ऋषि, बोले कि पक्का इनका बहुत स्ट्रांग भाव है, फिर गए और तुरंत पहुंच गए अगले दिन चित्रकूट, अब यहाँ चित्रकूट में पहुंचे, चित्रकूट में भी धुआं उड़ रहा, अब यहाँ लक्ष्मण जी ने देख लिया वो फायर हो गए, बोले भैया आपको मेरे को तो शुरू से शक था, निकालो धनुष, ये फिर लड़ाई की तैयारी कर रहे, या बोले मैं अकेले ही सामना कर लूंगा, आप बस अंदर रहिए, माता का ध्यान रखिए, मैं तीर चलाता हूँ, स्टार्ट करता हूँ लड़ाई, पहला बाण मैं चलाऊंगा, वो बोलते हैं ना लड़ाई वही कहते पहले थप्पड़ में मारूंगा, वो नहीं मैं पहला बाण मैं चलाऊंगा, तो उन्होंने बोले कि रे तुम शांत हो जाओ, क्रोध पे फिर उन्होंने शिक्षा दी कि क्रोध पे काबू भी रखना बहुत जरूरी होता है, एंगर पे अगर आप काबू नहीं रखोगे तो ऑब्वियसली वो भक्ति में हमारे नुकसान करेगा। अब भरत जी आते हैं ना, भरत जी चढ़ जाते हैं एकदम भागते 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 दंडवत कर देते हैं, भागते भागते दंडवत मतलब वहां से आ रहे हैं ना भागते हुए सेंटर के गेट से सीधा भागते हुए आ रहे हैं, सीधा दंडवत किया मतलब घिसट, वहां से आधा रास्ता घिसटते हुए जाओगे, ए राधा पार्थ साथी, सीधा चरणों में घिसटते हुए गए वो, और प्रणाम किया भगवान को, और पता है रोने लग गए, और भरत को देख के भगवान रोने लग गए, वो दोनों इतना रोने लग गए आपस में कि रो इतना आंसू, अब यहाँ लक्ष्मण जी को फिर गिल्ट हो रहा कि मैंने कितना सोचा
कि भरत कितना वो है ये, बट उन्होंने बोला नहीं भरत की भक्ति बहुत स्ट्रांग है, मेरी तो कुछ भी नहीं है। फिर भरत जी ने भी हुआ, फिर राम जी ने पूछा कि क्या हुआ, पिताजी कहाँ है, पिताजी आ रहे हैं, पीछे पर्वत था ना चित्रकूट आ रहे हैं। उन्होंने बोला नहीं पिताजी हम नहीं गए। अब राम जी क्या उनको वियोग हुआ, तो उन्होंने फिर बात करी, जस्ट 5 मिनट माँ जी, एक्स्ट्रा 5 मिनट ओनली 5 मिनट। सो उन्होंने वियोग क्या दिया और उन वियोग हुआ, भगवान ने भी उनके लास्ट प्रेजेंट किया। तो उसके बाद क्या हुआ, भगवान ने उनके पिताजी का जलार्पण किया, फिर उन्होंने अब सब अटल थे, क्या अटल थे कि राम जी चलिए चलिए चलिए। और फिर वहाँ जो ऋषि थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला, एक ऋषि ने बोला जो जाम्बिक नाम का था, उसने बोला कि आप प्लीज़ चलिए पिताजी के धर्म को छोड़िए, नहीं ऐसा नहीं। वो उनको गुस्सा आ गया राम जी को, पहली बार गुस्सा आया, बोला ऐसा कैसा व्यक्ति, नास्तिक व्यक्ति नहीं पसंद भगवान श्री राम को। और आज हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जाए तो हर एक व्यक्ति कहता है हम तो जी नास्तिक हैं, हम नहीं मानते भगवान, भगवान बताएंगे तुम्हें, तुम्हारे लिए अलग से भगवान ने क्वार्टर खोल रखा है नरक का, अच्छे से भगवान बताएंगे ना उस टाइम। तो वहाँ पे क्या होता है, फिर अब राम जी को वो बोलते हैं कि माफ़ कीजिए, मैं तो कोशिश कर रहा था आप ऐसे मान जाए। तो फिर भरत जी नहीं मानते और भरत जी की बात भी नहीं मानते। फिर भरत जी ने बोला मैं लास्ट ट्राई कर रहा हूँ, लास्ट ट्राई, अगर आप नहीं करोगे ना तो मैं क्या करूँगा, आमरण जो भी है अन्य जल त्याग के यहीं बैठ जाऊँगा। उन्होंने बोला तुम ऐसी पागलपन की बातें मत करो, राज्य संभालो। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है। फिर राम जी के कंसल्ट पे वो माने और उन्होंने क्या किया, अपनी उनकी चरण पादुकाएं ले ली। तो हम अयोध्या गए थे, ये विशेष स्थान था, हमने दर्शन भी किए थे इस चरण पादुका के, भरत कुंड के पास थे चरण पादुका एरिया, तो थोड़ा थोड़ा दिखता है उसमें, बहुत चरण पादुकाएं ली और चल दिए और अयोध्या के वहाँ। तो एक्चुअली जो भरत जी थे ना, उन्होंने बताया जाता है उन्होंने भगवान के लिए ना कोई राज्य पे नहीं रहे, हम लोग गए थे प्लेस में, उसको बोलते हैं भरत राम मिलाप एरिया, जो एरिया था फर्स्ट टाइम मिले वहाँ पर राम जी भरत जी मिले, सॉरी भरत नहीं, भरत राम नहीं था, अयोध्या में है, हाँ वो एरिया था, हनुमान और भरत जी का मिलाप हुआ था जब हनुमान जी संजीवनी लेके जा रहे थे, बाण चला दिया था तब, तो वहाँ रहे। तो हमने देखा कि भरत जी का जो प्लेस है ना वो बेसमेंट में रहते थे, हनुमान जी से बाहर आके हम लोग गए थे तो वो एकदम गुफा टाइप में था, एकदम नीचे पूरा फोटो वोटो टाइप में था कि भरत जी ऐसे बैठ के योग साधना में, तो वो ऐसे रहते थे। तो उन्होंने अपने ब्रदर का पूरा वो किया और इसी तरह वो चरण पादुकाएं लेके गए और अयोध्या में उन्होंने राज्य पे क्या किया, अब बोला कि यहाँ राम ही राजा रहेंगे। तो इसी प्रकार हमारा ये अयोध्या कांड यहाँ पर समाप्त हुआ। और फिर अब भगवान राम क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं चित्रकूट से, क्योंकि यहाँ भरत बार बार आएंगे, अयोध्या वाले आएंगे कि अब तो पता चल गया एड्रेस, अब तो घर पे मिलकर ही आएंगे, मिलते रहेंगे, कहते हैं ना अब तो मिलना होता रहेगा, वही है मिलते रहेंगे। तो उन्होंने आगे चले गए, अब वो पंचवटी दंडक वन इस सब में, अब ये जो है ना अब यहाँ से फाइट स्टार्ट हो जाएगी। अब तक क्या है, लक्ष्मण जी और राम जी ने कंट्रोल किया अपने धनुष पे, बस ताड़ का वध किया था, अब शुरू होगी लड़ाई। लक्ष्मण जी का जो चाहते ना उठा लूं तीर, कही अनाउंसमेंट समाज जी प्रसाद, तीर उठा लूं, तलवार उठा लूं, बस वो कहते हैं बस अब तो अब फाइट सीन स्टार्ट हो रहा है। कल से स्टार्ट होगा अरण्य कांड। अब ये जो है ना चित्रकूट से जाता है दंडक वन पंचवटी, फिर और भी एरिया जाएंगे, फिर आगे बहुत सारे कैरेक्टर्स अभी आने वाले हैं रामायण में। तो रामायण पढ़िए आप लोग, ये राम जैसे है ना बुक भी ले सकते हैं, बहुत अच्छी रामायण की बुक है, पढ़ेंगे ना डीपली बहुत अच्छा है।